तो लेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा काम आते हैं। पहला पॉइंट है, एवरी पार्ट ऑफ लेंस फॉर्म्स कंप्लीट इमेज एंड इफ अ पोर्शन ऑफ लेंस इज ऑब्स्ट्रक्टेड फुल इमेज ऑफ लेस ब्राइटनेस इज फॉर्म्ड। मतलब अगर आपके पास कोई लेंस है और लेंस से आप इमेज बना रहे हो, इमेज बन गई स्क्रीन पे, अगर आपने लेंस का कुछ पोर्शन ब्लैक पेंट कर दिया, एक पट्टी बना दी ब्लैक पेंट की, तो क्या वो वहाँ पर ब्लैक पेंट की इमेज भी बनेगी? नहीं बनेगी। वो कह रहा है इमेज क्या कटी हुई बनेगी? नहीं बनेगी, इमेज पूरी ही बनेगी, बस ब्राइटनेस उसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि आपने लाइट को ब्लॉक कर लिया, क्योंकि बाकी पार्ट ऑफ लेंस तो उसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा रेस को, तो इमेज तो पूरी बनेगी, कोई उसमें ब्लैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा, पर रेज वहां पर कम गिर रही हैं तो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस उसकी कम मिलेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिमेन्स अनचेंज्ड वेदर द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट सर्फेस या सेकेंड सर्फेस। आप लेफ्ट की तरफ से लाइट को फेंको या राइट की तरफ से लाइट को फेंको, लेंस के ऊपर फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। फोकल लेंथ तो फोकल लेंथ ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेंस उल्टा यूज करो या सीधा यूज करो। कटिंग ऑफ अ लेंस, अगर आप एक कन्वेक्स या कनकेव लेंस को कट करते हो हॉरिजॉन्टली, या आपने काट दिया दो पीस निकलाए, तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि जो फोकल लेंथ है फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला, जो फोकल लेंथ होती है वो म्यू माइनस वन वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू होती है, ऐसा ही होता है। अब जब आप इसे, इसकी सरफेस का रेडियस आर वन है और इसका आर टू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जब आप इसको काटते हो तो ना आपने म्यू को चेंज किया, ना आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका चेंज किया, ना इसका चेंज किया, तो फिर फोकल लेंथ विल रिमेन सेम, कर्वेचर चेंज ही नहीं हुए। हाँ, कम लाइट जाएगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, लेंस कमजोर हो जाएगा, वो बात अलग है, पर काम वैसे ही करेगा जैसे एक्चुअल लेंस करता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं अगर आपने लेंस को हॉरिजॉन्टली काट दिया, पर अगर आपने लेंस को वर्टिकली काट दिया फिर क्या होगा? वर्टिकली कट करने से वो एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन जाएगा। तो ये देखो, सपोज करो, जैसे अगर मैं लेंस को वर्टिकली कट कर देता हूं, ये देखो लेंस इज कट वर्टिकली इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो केस नंबर वन, केस नंबर वन में मान लो आपके पास कौन सा लेंस है? पहले बाय कन्वेक्स लेंस है। बाय कन्वेक्स लेंस में आर वन मान लो प्लस आर है और आर टू मान लो माइनस आर है। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो म्यू माइनस वन वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो म्यू माइनस वन इन टू वन बाय आर माइनस वन बाय माइनस आर। तो वन बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इन टू कितना? टू बाय आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस वन। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? क्या ये स्टेप क्लियर है? तो कुछ नहीं किया, बाय कन्वेक्स लेंस है, अभी तो मैंने इसकी कटिंग भी नहीं की, अभी तो बस मैं ये कह रहा हूं कि बाय कन्वेक्स लेंस में अगर रेडियस आर है और माइनस आर है तो फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला, बात खत्म। केस नंबर टू में अगर मैं इसे कट कर देता हूं, केस नंबर टू, कट करने पे आधा लेंस बन गया, आधा लेंस क्योंकि वर्टिकली कट किया तो कौन सा लेंस बना? प्लेनो कन्वेक्स। प्लेनो कन्वेक्स का हमने क्या याद किया था? एक आर क्या था? पॉजिटिव, और एक आर क्या था? इनफाइनाइट, ऐसे ही था। तो इसके अंदर नई जो फोकल लेंथ है विल बी इक्वल टू म्यू माइनस वन वन बाय आर माइनस वन बाय इन्फिनिटी। वन बाय इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। तो यहां से वन बाय फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाय आर। तो फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस वन। क्या स्टेप क्लियर है? अगर आप इक्वेशन नंबर टू और वन को डिवाइड कर लें तो म्यू माइनस वन आर सब कैंसल, आप चेक करें आपका आंसर ये आएगा एफ डैश इज इक्वल टू टू इन टू एफ। ठीक है यहां तक? तो एक रिजल्ट याद रखें, अगर आपने किसी भी लेंस को बीच में से काट दिया, प्लेन बना दिया, तो उसकी फोकल लेंथ ट्वाइस हो जाती है, ये सीधा शॉर्टकट याद करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली काटा तो कोई चेंज नहीं, वर्टिकली काटा फोकल लेंथ ट्वाइस। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक?
ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया या एक टिप हो गया, ऑब्जेक्टिव में काम आ जाता है ये। कौन प्रूफ करेगा उसमें, सीधा ही बस कट करके आंसर एनसीईआरटी में प्रूफ आ जाए मैं कह नहीं सकता इसका। तो एनसीईआरटी के लिए नॉर्मली हम वो सैम्पल पेपर चेज करेंगे नवंबर दिसंबर में, स्पेशली दिसंबर में यू लाइक का एग्जाम आइडिया यू लाइक करेंगे, सारा पेपर सी बी एस ई को उसी में से आता है वैसे। यू लाइक का पेपर एक सॉल्व कर लो, 3 साल के पेपर कर लो, पेपर के अंदर क्वेश्चन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये जो उल्टे सीधे इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ना सारे, वो सब आपको वहीं सैम्पल मिलेगा। बहुत अच्छी कलेक्शन है, मैं क्लास में करवाता भी हूँ वैसे सारा यू लाइक, मैं क्लास में मतलब डिस्कशन करता हूँ मैं इसके, ठीक है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? सिलेबस खत्म होने के बाद करते हैं ना ये फिनिशिंग वाला काम, क्योंकि अभी नहीं कर सकते ना फिर सिलेबस लेट हो जाएगा। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर सेकेंड राउंड के अंदर वो सैम्पल पेपर करेंगे, थर्ड राउंड में टेस्ट सीरीज चलती है। तो टेस्ट सीरीज में पुराने पेपर भी डाले जाते हैं और करंट ईयर पेपर भी, तो इससे आपके वो 10 ईयर भी रिवाइज हो जाता है सारा। तो इस तरीके से फिर 90% तभी तो आते हैं क्योंकि वो 3-3 बार हो जाता है और एकदम स्कोर बढ़ जाता है। और इसी बार CBSE नहीं, कॉम्पिटिशन के अंदर बड़ा इसका बेनिफिट होता है, जो प्लस टू का सिलेबस 3 बार कर जाएगा यार वो कुछ तो करके आएगा कॉम्पिटिशन में, चाहे चाहे जितना मर्जी कह ले मेरे को नहीं करना कॉम्पिटिशन, कुछ तो करके आएगा, आसान क्वेश्चन तो करके आएगा उसमें से, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है, ठीक है। चलो देखेंगे आपको, एक बार सिलेबस खत्म होने दो फिर ये काम करेंगे। तो ये हमने कर लिया डिस्कस। ये क्वेश्चन बहुत आता है ऐसा ऑब्जेक्टिव में, अगर एक लेंस है, नॉर्मली लेंस का एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, तो एक इमेज बनती है। वो कह रहे हैं 5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, ऊपर का ग्लास अलग, नीचे का अलग, नीचे का अलग, नीचे का अलग अलग, μ1 μ2 μ3 μ4 μ5, तो 5 इमेजेस बनेंगी। जितने किस्म का ग्लास है उतने इमेजेस बनेंगी। रीजन, क्योंकि हर कोई अपनी रिफ्रैक्शन शो करेगा, कोई ज्यादा बेंडिंग शो करेगा, कोई कम बेंडिंग शो करेगा, तो मल्टीपल इमेजेस बनाएगा। तो जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी नंबर ऑफ इमेजेस, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर आप एक वाइट लाइट को लेंस में जो है भेजते हो और लेंस आपका थिक है, नॉर्मली लेंस थिन पड़े जाते हैं पर प्रिज्म की तरह थिक है, मोटा लेंस है। अब जब मोटे लेंस होते हैं या प्रिज्म के अंदर लाइट को सेंड करते हो, तो वो वाइट लाइट 7 रंगों में टूट जाती है, इसको डिस्पर्शन बोलते हैं। वैसे क्यों टूटती है, रीजन, क्योंकि 7 रंगों की वेवलेंथ डिफरेंट होती है ना, वॉयलेट से रेड तक वेवलेंथ डिफरेंट होती है। वेवलेंथ डिफरेंट है, सुन के अजीब लगेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर लाइट का डिफरेंट हो जाता है। अरे आपको कहिए कैसे, मैंने ग्लास चेंज ही नहीं किया, प्रिज्म तो वही है, फिर म्यू तो सेम रहेगा। नहीं, म्यू सेम नहीं है, म्यू इसलिए सेम रहता है, हम ऑप्टिक्स में लाइट एक ही यूज करते हैं, लैम्डा। हमने कभी 2 किस्म की लाइट तो भेजी नहीं अभी तक। तो अगर आप मल्टीपल लाइट सेंड करोगे, मल्टीपल कलर की लाइट सेंड करोगे, तो हम ये आगे पढ़ेंगे कि जो म्यू है वो लैम्डा पे डिपेंडेंट होता है लाइट के। तो जितना ज्यादा लैम्डा होता है म्यू उतना ही कम हो जाता है उस लाइट के लिए। अगर लैम्डा कम है तो म्यू ज्यादा है, लैम्डा ज्यादा है लाइट का तो म्यू कम है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे। अब जब व्हाइट लाइट पास करती है ऐसे मीडियम में, 7 रंगों में स्प्लिट वैसे भी हो जाती है, क्योंकि म्यू डिफरेंट हो गया, म्यू डिफरेंट हो गया, स्पीड में फर्क आ जाता है 7 लाइट की, कोई तेज चल रही है, कोई स्लो चलेगी, कोई और स्लो, कोई और स्लो, कोई और स्लो। क्यों? क्योंकि म्यू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब क्योंकि लैम्डा सबका डिफरेंट है तो म्यू सबका डिफरेंट है, तो स्पीड भी सबकी, तो इकट्ठी कैसे चलेंगी, इकट्ठी चलेंगी भी तो व्हाइट नजर आएगी, इकट्ठी नहीं चलेंगी तो 7 रंग नजर आएंगे। समझ में आ रहा है यहां तक, डिस्पर्शन क्यों होती है, प्लस 7 रंगों की अलग अलग रिफ्रैक्शन है क्योंकि म्यू डिफरेंट है। किसी का म्यू ज्यादा है तो रिफ्रैक्ट ज्यादा करेगी, कोई कम करेगी, कोई कम, कोई कम, तो एक ही पॉइंट पर 7 मिल नहीं पाएंगी, वॉयलेट कहीं, रेड कहीं, ब्लू कहीं, येलो कहीं। तो सबसे पास जो गिरती है, नियरेस्ट, वो कौन है, वॉयलेट है, और सबसे दूर कौन है, तो वॉयलेट की रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है और रेड की सबसे कम होती है। ये फैक्ट याद कर लेना, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब लेंस थिक है। थिन लेंस में तो रिफ्रैक्शन का टाइम ही नहीं मिलेगा, डिस्टेंस ही मिलेगा, फटाफट लाइट गई और बाहर आ गई, और हम क्या पढ़ते हैं, थिन लेंस। पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पता होना चाहिए कि क्या करना है। कन्वेक्स लेंस में अगर कोई ग्राफ मार्क करने को आ जाए 1/v और 1/u का, तो ये आपका ग्राफ बनेगा 1/v और 1/u का। वैसे ही बता दूं मैं, लैब में जो प्रैक्टिकल फाइलें लिखी जाती है एंड में, उसमें ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट भी तो होता है, जो ना तो करवाया जाता है स्कूल में, और प्रैक्टिकल के अंदर आप देखते फटाफट लिख देते हो कॉपी करके, तो उसके अंदर पेंसिल से डायग्राम भी ड्रॉ करते हो,
तो एक्चुअल में ये लैब का एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको बेंच पूरा दिया जाता है, ऑप्टिकल बेंच, उसमें यू और वी को चेंज करने को कहा जाता है, वी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकाली जाती हैं, यू और वी को प्लॉट किया जाता है, वन बाई यू वन बाई वी की प्लॉटिंग होती है, तो ग्राफ ऐसा बनता है। पर हम नहीं कर रहे तो हम याद कर रहे हैं ग्राफ ऐसा ही होता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो मार्क कर लेना, ठीक है यहाँ तक। ऐसे ही अगर कन्वेक्स लेंस में यू वी वो वन बाई वी वन बाई यू का ग्राफ है, कन्वेक्स लेंस में सेकेंड प्रैक्टिकल है, वी और यू का ग्राफ प्लॉट करो, वी और यू का, तो ये ग्राफ बनते हैं, देखो ऐसे ग्राफ बनते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी का चक्कर होता है ना, यू इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकल लेंथ पे, और फोकल लेंथ पे तो इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी वाला केस तो बनेगा ही। तो ये डायग्राम ही याद कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते इसमें, मैं अपनी शीट में दूंगा, आप बस इसको डायग्राम ही याद करना, स्टैंडर्ड है लेंस, कल को नया लेंस तो लेके आएगा नहीं, या तो कन्वेक्स लेके आएगा या कनकेव, तो ये ग्राफ है, और कनकेव के अंदर भी ऐसा ही ग्राफ है, कनकेव में थोड़ा अलग ग्राफ है, ये कनकेव का ग्राफ है वी और यू का, तो कन्वेक्स का अलग, कनकेव का अलग, ये आप उसमें से याद करेंगे सिंपल। तो ये कुछ टिप्स हैं।